सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चने मूंग की भाजी। तो चलिए आज हम बनाते हैं चने मूंग की भाजी। लगने वाली सामग्री है थोड़े से धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 3 से 4 अदरक के टुकड़े छोटे, 5 से 4 हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, 2 चम्मच बेसन, नमक और 1 कटोरी मूंग दाल। मैंने मूंग दाल साबुत लिया है, आप चाहे तो इसे दाल में भी ले सकते हैं। और ये है तड़के के लिए 2-3 हरी मिर्ची और 1 लहसुन की कली। चने का साग जो इस सीज़न में, सर्दियों की सीज़न में मिलता है, और इसी का मूंग की और इस चने के साग के दाल बनाएंगे। तो चलिए हम अब इसको बनाते हैं। हम इसको इतना मतलब बारीकी काटना है, जितना बारीक हो सके उतना काटिएगा। मोटे फॉर्म में नहीं लेना है इसको, आप चाहे तो चक्कू से चाहे दराती से बिल्कुल बारीक काटेंगे इसको। चलिए अब हम इसको काटते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल इसको बारीक बारीक काटा है, और आप जब भी इसको बनाएं तो जो इसमें की हार डंडी है उसको हटा दें, सिर्फ पत्तों का ही बनाएं और जो मुलायम पत्ते हैं उनको ही यूज़ करें, नहीं तो दाल बनने में अच्छी नहीं लगेगी खाने में। तो चलिए अब हम इसको कुकर में सीटी लगाएंगे। अब हम ये दाल को इसमें डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे अब ये पत्ते सारे। हमारा 200 ग्राम दाल था और 250 ग्राम ये पत्तियाँ थी चने की। तो हम जिस कटोरी से दाल ले रखा था हमने, उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। इसमें 4 कटोरी पानी डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक हम अभी पकाते समय 1 ही चम्मच डालेंगे, फिर बाद में स्वाद के अनुसार हम नमक कर लेंगे। इसमें 1/2 स्पून डालेंगे हल्दी। अब इसको हम ढक्कन लगा के बॉईल करने के लिए रखेंगे इसको। इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। अगर दाल होता तो हम 1 सीटी पे उतार देते, मगर ये साबुत मूंग की दाल है तो इसमें हम 2 सीटी लगाएंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है पकने के लिए। हमारी सीटी लग रही है, तब तक हम ये हम जो चटनी के लिए सामग्री तैयार कर रखा था उसको हम बनाएंगे। अब हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें दोनों चीज़ों को डाल देंगे, तीनों को। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पानी डालें जिससे लिक्विड फॉर्म में हमारा तैयार हो जाए चटनी। तो देखिए अब हमारा चटनी बन के तैयार हो गया। देखिए बहुत अच्छे से पिस गया है। अब हम इसको 1 कटोरी में निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी दाल कैसे हुआ है। देखिए दाल हमारा अच्छे से पक गया है। तो हमने 2 से 3 घंटे भिगोया था, क्योंकि ये मूंग दाल साबुत था इसलिए हमें भिगोना था इसको, तो इसलिए भिगोया था हमने। 3 घंटे भिगोया है। अगर आप दाल लेते हैं तो उसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 सीटी में ही हो जाएगी। और आपने अगर साबुत दाल लिया है तो वो 2 सीटी में नहीं होगी, इसलिए उसको भिगो दीजिए, वो भी 2 सीटी में ही बनके तैयार हो जाएगी आपकी दाल। अब मैं इसे आगे के सारी सामग्री डालने के लिए मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूँगी, जैसे बनाने में आपको आसानी हो। हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब जो हमने 2 चम्मच बेसन लिया था उसका हम लिक्विड फॉर्म बनाएंगे। ये देखिए इसे अच्छे से मिलाएंगे जिससे इसमें कोई भी गांठ ना हो। इसमें कोई भी गांठ नहीं है और हमने अच्छे से इसको लिक्विड फॉर्म में बना लिया है। अब इसको हम जो हमने चने की मूंग की भाजी बनाई है अब उसमें हम इसको डालेंगे, क्योंकि दाल के साथ जो बना रहे हैं हम, क्योंकि चने में भी लिक्विड बन नहीं होता है और मूंग दाल में भी ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, इसलिए हम इसको अलहन जैसा बना के इसको डालेंगे। और आप चाहें तो इसकी जगह पे आटा भी घोल के डाल सकते हैं, मैंने बेसन का यूज़ किया। अब हम डालते समय हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है गैस को। अब हम इसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे और मिलाते रहेंगे जिससे इसमें गांठें ना पड़े, नहीं तो खाते समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये।
थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और मिलाएंगे, जिससे इसमें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालते इस दाल में जो ये भाजी बनाते हैं, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं होता है, बस गाढ़ा गाढ़ा होता है, इसकी वजह से ये गाढ़ापन आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए इसे मिलाते हुए अभी हम इसको थोड़े देर अच्छे से चलाएंगे, जिससे ये बेसन अच्छे से पक जाए इसमें। तो देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो गया हमारी भाजी। अब इसमें हम डालेंगे, एक ही चम्मच डाला था, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक थोड़ा सा और डालेंगे। मैंने 1.5 चम्मच और नमक डाला इसमें नहीं थी। अब इस चटनी को हम इसमें डाल के अच्छे से मिलाएंगे। चटनी को अब इसमें हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे, और हम ज़्यादा देर इसको नहीं डालने के बाद चटनी हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो इसका हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप चाहें तो आप इसमें तड़का लगा के भी खा सकते हैं, और चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है भाजी। तो देखिए अभी हमारा ये भाजी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे तड़का लगाएंगे, तो इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन, लहसुन को अच्छे से रोस्ट करेंगे, इसमें डालेंगे 2 मिर्ची, अब हम इसको अच्छे से जलाएंगे, इस पिंच डालेंगे हम हींग, देखिए हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे, मैंने तो तेल में किया है यूज़, आप चाहें तो इसमें घी में भी कर सकते हैं। और हम गैस को बंद कर, और हम आराम से कर दीजिए, और इसमें चाहे तो आप घी डाल के खा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये भाजी बनके तैयार हो गई है, चने दाल की। अब इसको आप चाहे रोटी से खाइए, चाहे चावल से खाइए, कीजिए बच्चों के साथ। देखिए हमारे चने मूंग की भाजी बनके तैयार है, और खाइए और बताइए कैसा बना है, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा। आगे के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।